तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के बारे में। राइट तो एमएस वर्ड हम जो यहाँ बात कर रहे थे कि लेटर ड्राफ्टिंग यूज होता है। कल की लास्ट क्लासेस में मैंने आपको टेम्पलेट्स और बाकी चीजों पे बताया था, कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट सेव करना है और उसको किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो अब चलिए हम आगे बात करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में आपको क्लिप बोर्ड भी समझाया था, राइट? जी सही है। कॉपी पेस्ट करना भी समझाया था आपको। आपने कंट्रोल एस बताया था, राइट? लास्ट क्लासेस में हमने आपको फाइल मेनू जो था वो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम आज जो है होम मेनू से स्टार्ट कर रहे हैं। होम मेनू में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है? क्लिपबोर्ड इट मींस कॉपी एंड पेस्ट, कि आप किस तरीके से डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे वर्ड के अंदर, समझ गए? तो एक हाँ, तो ये आपका सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है। तो आपके सामने देख रहे हैं मेरा एक कंटेन है जो कि मैंने अभी रैंड से रैंडमली निकाल लिया है। एक चीज और सीख लीजिए, आप वर्ड में अगर आप इक्वल आर ए एल डी रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मारते हैं तो कुछ भी रैंडमली पैराग्राफ आपके पास आ जाता है। दोबारा बोले, आपकी आवाज में इको बहुत आ रहा है। मैं आपको बोल रहा था कि आप वर्ड के अंदर रैंड लिखें। अभी अभी सही आ रही आवाज मेरी? जी इको आ रहा है, पता नहीं क्यों। या तो आप दूर है, माइक से दूर है क्या? माइक से दूर तो नहीं हूं मैं, एक मिनट अभी ठीक है, बेहतर है कुछ। तो आप इक्वल रैंड लिखें, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करें और एंटर मारेंगे तो वर्ड आपको एक रैंडमली पैराग्राफ आपको यहां दे देगा, ठीक है फलाना जी? अच्छा, तो यानी कि अगर इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कहां से आ गया? ओपन क्लोज करके एंटर मारेंगे तो रैंडमली एक पैराग्राफ अपने हिसाब सिस्टम देगा। अच्छा, ये रैंडमली आया है? हाँ, इसका यूज हम लोग एक्सेल में भी करते हैं। जैसे एक्सेल आपके पास है तो एक्सेल में भी इसका यूज करते हैं कि रैंड हम कर देंगे तो एक नंबर रैंडम नंबर हमें दे देता है। अच्छा हाँ, जैसे ओटीपी टाइप का नहीं होता है, तो सिस्टम भी इसी तरह से आप रैंड लिखेंगे तो अपने आप हिसाब से कुछ भी देते रहेगा आपको, एक रैंडम पैराग्राफ, एक रैंडम सेंटेंस। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब बात कर बताइए, एक सेकेंड में तो मैं कंफ्यूज हो गई, हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, हमें तो ये रैंडम पैराग्राफ नहीं चाहिए। बेसिकली जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं इतना लंबा पैराग्राफ लिखूंगा, हो सकता है कि मैं यहाँ पे रैंड लिख के लिखा देता हूँ क्या? अब मैं इतना टाइप करूंगा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ टेस्टिंग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी भी टॉपिक के लिए? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज कुछ कुछ को हमने बनाया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या किसी कुछ बताना है तो पैराग्राफ कहीं से लाओगे कैसे? मान लीजिए मुझे फॉर्मेटिंग किसी को बताना है, आपके को किसी को फॉर्मेटिंग बताना है, तो खैर तो आपने कोई आपकी जो एक्चुअल डेटा होगा उसके साथ छेड़छाड़ करना होगा या कोई चीज अप्लाई करके चेक करना है आपको, जैसे कोई ऑप्शन आपने नहीं सीखी है आपको अप्लाई करके चेक करना है तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये मैं करके देखूंगी क्योंकि ये मैं समझ तो आ रहा है मगर ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं वही आपको मैं समझा रहा हूँ ना कि ये लर्निंग पर्पज से होता है। जैसे कि आपने सीखा कि बैकग्राउंड कलर किया जा सकता है, अब इस बैकग्राउंड कलर करने के लिए खाया था कोई टेक्स्ट आपको टाइप करना पड़ेगा या फिर कोई बनी बनाई फाइल है जिसमें आपने बहुत सारे टेक्स्ट टाइप कर रखे हैं उसको खोल के उस पर अप्लाई करके चेक करोगे। अच्छा ठीक तो है, आप अगर टाइप खुद से अगर कोई टाइप करते हैं तो आपको टाइम वेस्ट होगा।
सही दूसरा, अगर आप किसी बनी बनाई फाइल को अगर उस पर जाकर चेक करते हो तो क्या होगा कि आपका डेटा के ऊपर मैंने छेड़खानी हो जाए, आपकी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर छेड़खानी हो जाएगी, और डॉक्यूमेंट खराब होने के चांसेस क्या? अब कोई आप अच्छा मान कोई मान लीजिए कोई मेमो आपने बना रखा है या कोई एक कवर लेटर हाँ बना रखा है, उस पर कुछ अप्लाई करके चेक करोगे तो कवर लेटर खराब हो जाएगा ना आपका। हाँ सही कह रहे तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इक्वल रैन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर मारेंगे, हमको टाइप करने का टाइम बच गया और मैं ठीक है डॉक्यूमेंट भी खराब नहीं हुआ, और जो भी चीज हमें अप्लाई करके चेक करना चाहते हैं हमने अप्लाई करके चेक भी कर दिया कि अच्छा क्लिक कलर करने भी अच्छा इसमें से कलर होता है। तो लर्निंग पर्पज से एक चीज होती है, समझ गए? जी अब बात में आ गया क्यों यूज होता है इसका। जी कुछ समझ तो आ रहा है वैसे। ये हाँ तो रैम, अप्लाई करेंगे जब कुछ भी चीजें अप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी चीजें चेक करना चाहते हो, या किसी को बताना चाहते हो, किसी ने पूछा आपसे कि भाई फॉन्ट कैसे चेंज होता है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए कोई कुछ पैराग्राफ होना चाहिए ना आपको, जी जी सही है उसको बताना है। तो आप अपने मतलब कि ओरिजिनल डेटा पे, काम के डेटा पे तो चेक करके नहीं बताओगे आप, काम के डेटा पे करके बताते हैं तो आपका काम का जो डेटा है, काम का जो लेटर्स है वो खराब होने का दिक्कत है, हो सकता है कि खराब हो जाए, फिर से बनाना पड़ सकता है आपको। तो अच्छा ठीक है वैसे उसी सिचुएशन में हम रैंड का यूज करते हैं। ओके सही है समझ गया। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड, कॉपी एंड पेस्ट। जैसे मान लीजिए कि वर्ड का किसी पार्ट को कॉपी करना है, तो मान लीजिए कि मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करके नीचे ले आ सकता हूँ, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी कंट्रोल हाँ, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने का तरीका समझिए, एक ये है कि आप क्लिक कीजिए और माउस को होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाए तो सिलेक्शन हो जाता जी है। एक दूसरा सिलेक्शन क्या होता है कि आप एक लेटर पे डबल क्लिक करें तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए? किसी भी लेटर पे, एक किसी भी अच्छा सही स्टार्टिंग, किसी भी लेटर पे, जैसे मैंने यहीं पे मैंने डबल क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए, सही है ठीक समझ गए? तो एक तो है पैर, दूसरा हो गया कि आप जो है कर्सर स्टार्टिंग में कर्सर रख दें और शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करें, हाँ ठीक है इससे आप सिलेक्शन कर सकते हो। और कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल का तो है ही कि पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट कर लेगा जितने भी डेटा इसमें दिए कंट्रोल हुए। ए हाँ, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, अच्छा ठीक है ठीक है, सिलेक्ट ऑल। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने का मान लीजिए इसको कॉपी करना है, तो हमें या खैर इस पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या सब शॉर्टकट कंट्रोल सी है, इसको सिलेक्ट किया, फिर जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे अपना कर्सर ले जाए, कर्सर ले जाने के लिए आप डबल क्लिक करें वहां पे कर्सर चला जाएगा और उस पे आप कंट्रोल भी पेस्ट जो है ये पेस्ट कर दे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। जी ठीक है प्रणाम सही जी। अब उसमें एक और चीज होता है कि ये जो नीचे स्लैश करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये देखिए पेस्ट जैसा फॉर्मेटिंग वैसा आएगा, ये आपका मर्ज फॉर्मेटिंग होगा, ये आपका पिक्चर्स में होगा, ये आपका कीप टेक्स्ट ओनली होगा। मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये फॉर्मेटिंग है, मान लीजिए फॉर्मेटिंग कर दिया हमने, इसके कलर भी चेंज कर दिए हमने, क्या किया इसकी बैकग्राउंड कलर कर दिया और इसकी फोरग्राउंड कलर में टेक्स्ट कलर जो है, फॉन्ट कलर जो है, उस फॉन्ट कलर को चेंज कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, तो अब कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे तो जैसा आपने कॉपी किया है वैसा आपको पेस्ट कर देगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहां पे देखिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जैसा है वैसा ही पेस्ट करना है फॉर्मेटिंग के साथ। यहां पे मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब कि विदाउट फॉर्मेटिंग जो है ना ये पेस्ट करें, इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं करें। जरा मुझे यहां खोल के पे करके दिखाएं सर देखिए आप कर रहे हैं, यहां पे जैसे कर्सर ले जाता हूं ना, तो यहां पे देखिए ये आपको यहाँ एरिया ब्लैंक है ना, जैसे इस पे कर्सर ले गया मैं तो देखिए
जैसे मैं इस पे जी कर्सर रख रहा हूं, यहां पे देख रहे हैं, तो मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब समझते क्या होता है, जैसे कि जहां पे हम फॉर्म पेस्ट कर रहे हैं उसका जो फॉर्मेटिंग है वो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, हाँ मतलब कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं तो मैंने इसका कलर रेड कर दिया, कलर रेड जी समझ में आया, जी सही है मतलब कि जैसे हम टाइप कर ले, यहाँ कुछ भी टाइप करना है तो टाइप करने से पहले हम लोग फॉर्मेटिंग डिसाइड कर लेते। एक तो होता है कि टाइप करने के बाद आप अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज करो, ठीक है ना, जैसे हाँ जी मैं, दूसरा होता है कि अब टाइप हमें करना है तो हम यहाँ अपना फॉन्ट, अपना कलर, बोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे फॉन्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कॉपी करके लाते हैं तो ये अगर हमने क्लिक किया तो जैसा फॉर्मेट ऊपर में जहां से कॉपी हुआ है वैसा ही फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पेस्ट होना है। दूसरा होता है कि वहां से सिर्फ टेक्स्ट लो और जहां हम टाइप कर रहे हैं वहां जो फॉर्मेटिंग है सो अप्लाई करो। जी जी दूसरा सही है होता है, दूसरा क्या होता है कि उसको पिक्चर फॉर्मेट में देख रहे हैं आप, अब ये टेक्स्ट नहीं है ये पिक्चर है, तो इसका अच्छा इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम इसको इजीली छोटा कर सके और जिस लोकेशन पे हम रखना चाहें उस लोकेशन पे रख सकते हैं, रोटेट करना चाहें तो इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह के लिए। ये जो पिक्चर वाला था ये वो है। हाँ जैसे अच्छा मान लीजिए ना, मुझे समझ मान लीजिए ना कुछ इस तरह से लिखना है, कुछ इस तरह से हाँ लिखना है, लेकिन इस तरह से हम टाइप तो नहीं कर सकते ना, राइट तो टाइप नहीं कर सकते तो हमने क्या किया, कॉपी कर दिया, कॉपी करके इसको पेस्ट से पिक्चर कर दिया, पिक्चर हो गया, अब इसको हम रोटेट कर लेते हैं, समझ गए। जी हाँ तो पेस्ट से पिक्चर का इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए होता है। राइट ठीक है उसके बाद होता है कि भाई कोई फॉर्मेटिंग लेके नहीं आना है, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं लेना है, जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है वो डिफॉल्ट लेना है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करना अच्छा सही है है। या फिर पेस्ट स्पेशल में अगर आप क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल में देखिए क्या है, HTML फॉर्मेट में आएगा, यूनिकॉन टेक्स्ट मतलब कि कोई फॉर्मेटिंग नहीं, विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट होना चाहिए, पिक्चर पिक्चर पेस्ट होना चाहिए, या फॉर्मेटेड टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट होना चाहिए, या जो MS वर्ड का डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें पेस्ट होना चाहिए। लिंक, लिंक में यहाँ अगर कर देते हैं तो इसके साथ लिंक हो जाता है। यहाँ पे देखा, नया भी चेंज हो गया, तो समझ में आया आपको। वाला समझ नहीं आया देखिए क्या हुआ कि क्या है। आप सुनिए बताता हूं आपको, आपको एक ही जो पैराग्राफ आपने दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको आपके लेटर में 10 जगह पे से टर्म एंड कंडीशंस मारने थे, ठीक है ना। तो अगर आप कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का कोई ब्राउजर बना रहे हैं, ब्राउजर समझते हैं ना, जी तो उसमें आपके 5 टर्म एंड कंडीशंस है, तो और आप बना रहे हैं 25 प्रोडक्ट का ब्राउचर्स, तो आपको अच्छा 25 पेज पे टर्म एंड कंडीशन डालने पड़ेंगे, सही बात है ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने बना लिया, बनाने के बाद पता चला कि टर्म एंड कंडीशन आपके बदल गया है, तो फिर वापस आप 25 पेज पे जाओगे और टर्म एंड कंडीशन को चेंज करोगे, हाँ वो तो मुश्किल है जाहिर है तो उस केस में आपको अगर लगता है कि इन फ्यूचर में सारे चीज चेंज हो सकते हैं, एक ही चीज को आपको बार बार जगह पर रखना है, तो आप उसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद जहां पेज करना है वहां पे कर्सर ले जाए और ठीक है पेस्ट स्पेशल में आए और यहां पे पेस्ट एज ए लिंक को सिलेक्ट करके ओके कर दे। अच्छा वो यानी जो लिंक है हाँ नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूं, मैंने इसको कॉपी कर लिया, आ गया मुझे
आगे के कहाँ लिंक में जाना है, मगर वो कौन से लिंक पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। वही तो बोल रहा हूँ कि आप कॉपी कर लीजिए वो एरिया को, और जहां पे पेस्ट करना वहां पे कर्सर रखिए, और पेस्ट स्पेशल में नीचे देखिए आप, पेस्ट में जब नीचे इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दिखेगा, ये जो एरो निशान होता है इस पे क्लिक करने पे आपको पेस्ट समझ आ गया। स्पेशल आएगा। पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पे पेस्ट एज लिंक होता है, लेकिन हाँ सही है। अभी हाँ अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं किए लिखिए। पेस्ट एज लिंक होता है, पेस्ट एज लिंक पे क्लिक कीजिए, और ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट कर अच्छा एंड ओके। अब मैं ओरिजिनल में चेंज करूंगा, मैंने मान लीजिए मैंने कॉपी हटा दिया, ओरिजिनल जाके कॉपी हटा दिया, और जैसे कॉपी हटाने के बाद मैं कर्सर अलग कहीं रखूंगा, आप देखिए आपका लिंक से भी कॉपी हट गया। अच्छा तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपने टर्म एंड कंडीशन को एक जगह टाइप किया, कॉपी करके 2500 प्रोडक्ट पे आपने पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। अगर इन फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तो बस जहां पे आपने टाइप किया हुआ है बस उसी को चेंज कीजिए, बाकी जितने भी लोकेशन है वहां पे ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। अब दूसरा चीज है कि मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सा लिंक है, कौन सा ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल पे कर्सर डायरेक्ट चला जाएगा, ऐसे देखिए चला गया, लिंक पे इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। अच्छा अब मुझे पता करना है कि ये लिंक किससे है, यहां देखिए आ रहा है डबल क्लिक एंड डबल टैप फॉर एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जैसे इसमें डबल क्लिक करूंगा मेरा कर्सर उस पैराग्राफ पे चला जाएगा जहां मेरा ओरिजिनल है, जो इससे लिंक है, अच्छा ठीक है समझ गए। जी, मैं वैसे करके देखूंगी, आपसे बात करने के बाद तो आपको पता चलेगा कैसा समझ आ रहा है। हाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग में YouTube पे डाल दूंगा, YouTube पे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना आपने? हाँ आपका नहीं, मुझे सब्सक्राइब नहीं करता। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके वहां से आप चले जाइएगा, वॉच वीडियो पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको लेटेस्ट मेरे वीडियो दिख जाएंगे। तो लास्ट क्लासेस की वीडियो भी मैं उसी पे डाल दिया है, और आज की वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि अभी तक आपने वेबसाइट iptindia.com बताइए फिर, दिखा दो मैं। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, IBT, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, ओ अच्छा IPT, ओके ठीक है। इस वेबसाइट पे चले जाइएगा। लास्ट क्लासेस में वीडियो भी डाला था, आज की वीडियो भी उसी पे डालता हूँ, अच्छा ठीक है। तो पेस्ट पेस्ट हो गया, एक नीचे आता है आपका डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट पेस्ट, आप अपना पेस्ट जो है डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन ये चीज अभी फिलहाल आपके समझ में नहीं आएगी, तो इसको अभी इग्नोर कीजिए, क्योंकि सेटिंग है, तो सेटिंग आपको हमने पढ़ाया नहीं। दूसरा आता है फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे कि मुझे इसका जो मान लीजिए कि हमने वीडियो सेलेक्ट कर रखा है, इस वर्ड का फॉर्मेट मुझे यहाँ तीसरे पैराग्राफ पे रखना है, तो फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी कर लीजिए, क्लिक कीजिए तो ये कॉपी हो जाए। उसके बाद देखिए इसका आपका आइकन चेंज हो गया ना, अब जहां जहां इसको सिलेक्ट करेंगे आपका जहां जो सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर का जो फॉन्ट है वो फॉन्ट इस पे चेंज होता चला जाएगा, अच्छा, समझे। यानी कि अगर वैसे ही करना है तो ऐसा ये करने से होगा, फॉर्मेट पेंटर से। अच्छा हाँ फॉर्मेट में समझ नहीं तो हम रहे, वापस दोबारा से यहां जाके नहीं कर सकते जैसे पहले किया था। वहां भी कर सकते लेकिन ये आसान है ना, थोड़ा सा बाहर है तो कर देते अपने हिसाब से, कर दीजिए जो है ना करना है। अच्छा यानी कि ये सेकंड ऑप्शन है। यस हाँ, सिर्फ फॉन्ट आएगा, फॉर्मेटिंग आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें। अच्छा ठीक है। और दूसरा अब बात करते हैं क्लिप बोर्ड, यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे क्लिक कीजिए, और जब भी हम कुछ कॉपी करते हैं ना यहाँ पे आ जाता है। तो मान लीजिए मुझे वर्ड से या इंटरनेट से या एक्सेल से, मैं इंटरनेट की बात करता हूं पहले, इंटरनेट से कुछ चीजें कॉपी करके वर्ड पे रखना है, ठीक है फरमान जी।
जैसे कि आप क्या कह रहे हमने हैं वहां से कॉपी करके इस करना है, गूगल करना है उसको। हाँ जैसे कि माने हमने गूगल पे मान लीजिए हमने सर्च सेलेक्ट कर लिया, इसमें कुछ भी सर्च किया हमने, वर्ड रेफरेंस कुछ भी सर्च कर दिया मान लीजिए, कुछ भी सिलेक्ट कर, तो ये जो इसके जो रिजल्ट्स आया ना, इसमें से कुछ कुछ हमें कॉपी करके इस पे इसमें वर्ड में पेस्ट करना है। तो जनरली आप क्या करेंगे, जनरली लोग क्या करते हैं कि वर्ड पे जा इंटरनेट पे जाएंगे और मैंने मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, जी। सॉरी इसको कॉपी किया, वापस हम वर्ड पे गए और फिर इस पे पेस्ट किया, ठीक है, फिर दूसरे के लिए वापस आएंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, फिर हम वर्ड पे जाएंगे और फिर इसको पेस्ट करेंगे, जरूरी यही करेंगे जी ये मुझे पता है वैसे। ना। तो इसका एक आसान तरीका है जो मैं आपको बता सकता हूं, हम क्या करेंगे कि क्लिप बोर्ड को ऑन करेंगे, क्लिप बोर्ड में पहले से कोई होगा तो हम इसको क्लियर ऑन कर देंगे, अच्छा ठीक है, पहले से कुछ होगा तो हम क्लियर ऑन कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे वर्ड पे, तो क्या होगा जब हम इसको कॉपी करेंगे ना, तो क्लिप बोर्ड अपने अंदर स्टोर रखेगा, देखिए 1 of 24 दिख रहा है, ये अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट कर लिया। तो अब हमें काम क्या है, जस्ट कॉपी करना है, कॉपी करते जाइए और देखिए यहां कलेक्ट होता जाएगा, जो 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 आपको माने कि जहां से पैराग्राफ कॉपी करना है, बस आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके कॉपी करना है, पेस्ट करने का टेंशन नहीं रहना है। और जब आपको पेस्ट करने की टाइम आएगा, आपका हो गया, अब मुझे पेस्ट करना है, तो क्लिप बोर्ड की भी देखिए यहाँ पे पेस्ट ऑल है, बस पेस्ट ऑल पे क्लिक क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा एक के नीचे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये तो मैं समझ आ गई, पेस्ट ऑल हो गया, मगर ये जो आपने कहा था कि क्लियर ऑल करने के बाद वहां से कॉपी करो, तो ये यहाँ कैसे आ गया क्लिपबोर्ड में सारा? देखिए जब भी हम कॉपी करते हैं, सिस्टम का तरीका समझिए, जब भी हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद उसका जो टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने इसको रिलीज डेफिनेशन एंड मीनिंग को जो है कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, फिर भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं, फिर भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि जब भी हम कॉपी करते हैं तो सिस्टम क्लिप बोर्ड नाम का एक लोकेशन है, एक प्रोग्राम है, उसमें आपकी कॉपी हुई डेटा को स्टोर कर देता तो जो हम वहां से करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे है। हाँ स्टोर कोई होता है। सिर्फ एक्सेल की बात नहीं है, किसी भी वर्ड की बात नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम कॉपी करते हैं तो आपके कंप्यूटर का क्लिप बोर्ड का जो फंक्शन है उसी में जाकर डेटा सेव होता अच्छा सही है। है, समझ गए। और ये फीचर क्या करता है, उस क्लिप बोर्ड में सेव की गई डेटा को शो करता है। अच्छा तो ठीक है, क्लियर बहुत करने बढ़िया। का पर्पस यही था कि अगर आप नया कॉपी करने जा रहे हैं तो आपके जो प्रीवियस डेटा है उसको क्लीन कर लीजिए, ओके समझ गए। अब मैं यहां से इसको जी क्लीन कर लूंगा, नया जिसमें से कॉपी करूंगा यहां इसमें ऐड होते चले जाए, राइट। तो हमारा टेंशन नहीं होगा, हर बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने का टेंशन नहीं होगा, सिर्फ हमें पेस्ट करने का टेंशन, ओके ठीक है। ठीक है। तो पेस्ट का ऑप्शन आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो ओके सही है। कॉपी पेस्ट करना आ गया, और आज की रिकॉर्डिंग जो है कुछ समय में यूट्यूब पे चली जाएगी, वहां से आप देख लीजिए, क्योंकि तो फिलहाल आपने एनरोल नहीं किया है इसलिए आपको मैं ड्राइव का एक्सेस नहीं दे सका, तो
जैसे आप इनरोल करेंगे आपको ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग्स ड्राइव्स मिलेगी, फिर गूगल यूट्यूब पे नहीं जाएगी। अच्छा यूट्यूब पे जाके मैं आईपीटी ट्रेनिंग करूँ तो आ जाएगा आपका? आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाओगे तो वहीं पे मेनू बार में आपको दिखेगा वॉच वीडियो का बटन, उस पर क्लिक करते ही आप मेरे कुछ चैनल पे चले जाएंगे ठीक है, देख और उसी में देखिए देखेंगे। वर्ड से रिलेटेड मैंने वीडियो तो मेरे स्टूडियो डाल रखी होगी, वो आपकी क्लास में उसको देखिए। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों देखा किस तरह हमारा जी ने मेरे साथ लाइव ऑनलाइन बैठ के एमएस वर्ड की ट्रेनिंग ली। इसी तरह से आप भी चाहते हो कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक और खासकर एडवांस एक्सेल वीडियो बनाए। देखिए एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट हमारा जो है वो तो है ही, लेकिन हमारा मेन जो ट्रेनिंग है, जो मेन क्लासेस लेते हैं, सबसे ज्यादा क्लासेस लेते हैं, वो लेते हैं एडवांस एक्सेल वीडियो बनाए। तो आप लोग भी चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन डीवीएम प्रो या फिर हमारी डीवीडी परचेज करना, तो आप तुरंत मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाओ। ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहते हो तो डेमो क्लासेस का रिक्वेस्ट फॉर्म भर दो, नहीं डीवीडी परचेज करना चाहते हो तो डीवीडी भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और किसी तरह के डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर मुझे कॉल करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।